गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को आज ले चलेंगे किचन में और दिखाएंगे कि मम्मी जो है खाना में क्या बना रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी हम लोग सत्तू पी लेते हैं पहले, ताकि एकदम एनर्जी बना रहे। आप लोग जानते हैं चना का जो सत्तू होता है वो काफ़ी एनर्जी देता है। तो अभी बन रहा है तो आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद फिर पियेंगे और फिर चलेंगे किचन में। तो आज जो खाना बनेगा वो पूरा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अभी जो है सत्तुआ हम लोग पियेंगे, सत्तू चना का। तो इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं और काफ़ी ताकत मिलता है दोस्तों इसको पीने से, है ना। तो इस तरीके से देख लीजिए, तो पीते हैं फिर तो आप लोग को दिखाते हैं। अभी तैयार हो रहा है, इसमें नमक ऐड करेंगे और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं आप। दोस्तों, चना का जो सत्तू है एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो पहले हम इसको पी लेते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से और चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, काफ़ी स्वादिष्ट है चना का सत्तू, आप लोग भी इस तरीके से पी सकते हैं दोस्तों। काफ़ी एनर्जी भी देता है, गर्मी के दिन में दोस्तों हर जगह आपको मिल जाएगा। बाहर निकलिएगा तो हर जगह मार्केट में सत्तू जो है मिलते रहता है, लोग पीते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, आज जो है किचन में बन रहा है सोयाबीन, जिसको सोया चंक्स बोलते हैं। तो इसका जो है आज सब्जी बनेगा, तो सोया बड़ी बनेगा। इसके लिए यहाँ पे सब चीज़ हम लोग ले लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे सोयाबीन हम लोग ले लिए हैं, इधर देख लीजिए बेसन हम लोग ले लिए हैं 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच से, और इधर देख लीजिए दही भी हम लोग ले लिए हैं 4 चम्मच। तो यहाँ पे हम लोग टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दही देने वाले हैं। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा। और इधर देखिए, इसके लिए जो है यहाँ पे प्याज जो है 4 प्याज है बड़ा वाला, उसको छोटा छोटा हम लोग टुकड़ा कर लिए हैं। और इधर देख सकते हैं आदि और लहसुन, और इधर देख लीजिए लाल मिर्च पाउडर जो है 2 चम्मच लिए हैं, 1 चम्मच जो हल्दी पाउडर लिए हैं, और यहाँ पे जीरा और मरीच का पाउडर हम लोग लिए हैं। और भी मसाला ऐड करेंगे तो हम आप लोग को बाद में बताएंगे, एक एक प्रोसेस बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये सोयाबीन है, इसको जो पानी हम लोग गैस पर उबाल रहे हैं उसमें धरना है, तो दिखाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है पानी जो है उसको गर्म कर रहे हैं, इसमें जो है सोयाबीन को हम लोग डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी आप लोग को दिख रहा होगा, एकदम हीट हो गया, उबल रहा है। तो इसमें जो है हम लोग सोयाबीन को ऐड कर रहे हैं। तो गैस को पहले बंद कर देते हैं और अब जो है इसमें सोयाबीन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ऐड कर दीजिएगा। और इसको अभी कुछ देर इसमें छोड़ देते हैं, सबको अच्छे से चम्मच की हेल्प से हम लोग इसको अंदर डुबो देते हैं। देख सकते हैं आप, एकदम खोल रहा है, जिससे कि सोयाबीन सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। और इसको अभी ढक्कन से हम लोग ढक देते हैं कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, आप लोग को दिखाएं, अभी किचन में ले गए थे, सब चीज़ तैयार है दोस्तों। अब जो बनेगा, जब सोयाबीन का बड़ी का सब्जी बनेगा, तो आप लोग को दिखाएंगे और पूरा प्रोसेस आज बताने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग इसको जो है लगभग 2 से 3 मिनट पानी में रख दिए थे और आप लोग को भी दिखाए थे। तो अब इसको हटाते हैं ढक्कन, तो देख सकते हैं दोस्तों, एकदम सोयाबीन जो है पूरे तरीके से आप देख सकते हैं फूल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब आगे दिखाते हैं, इसमें से जो है पानी हम लोग को निचोड़ के अलग कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग इसमें जो है पेस्ट बनाएंगे, आदि और लहसुन को एक साथ दोनों को। तो ग्लास में हम लोग पहले डाल दिए हैं, यहाँ पे हम लोग मिक्सी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अभी पेस्ट बना के आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। देख लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से कूट दिया गया है, आदि और लहसुन का पेस्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना है। तो आगे का जो प्रोसेस है आप लोग को दिखाते हैं। जो है सोयाबीन से हम लोग पानी को जो है बाहर निकालेंगे, अच्छे से निचोड़ देते हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ये पहला स्टेप है जो आज हम लोग बनाने वाले हैं, सोया बड़ी। देख लीजिए, इस तरीके से आप लोग पानी को अच्छे से गाड़ दीजिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से सबको निकाल देना है बाहर, नहीं तो पानी रहेगा तो फिर जो हम लोग ग्रेवी तैयार करेंगे मसाला का, वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा और अच्छे से ये जो है बन नहीं पाएगा, भुजा नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जो है पूरा अच्छे से हम लोग को पानी जो है निचोड़ देना है इससे। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से सब हम लोग गार लेंगे, तो सारे पानी को निचोड़ देना है। देख लीजिए दोस्तों, सारे पानी जो हम लोग सोयाबीन से निचोड़ के यहाँ पे अब रख लिए हैं, सब तैयार है। तो सारा पानी इसे निकाल दिया गया है और पानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है सब सोयाबीन का। तो इस पानी का भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसी में सारा जो है प्रोटीन है इसका, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो आगे आप दिखाते हैं कि अगला जो है प्रोसेस वो क्या है।
दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग पहले जो है नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्वाद अनुसार नमक दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग नमक को पहले इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से नमक को मिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है जो मसाला है, तो पहले जो हम लोग लाल मिर्च है पाउडर उसको ऐड किए हैं, और सबको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो हल्दी पाउडर है वो भी हम लोग अभी ही मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, और इसको अच्छे से मिला देना है ताकि सब सोयाबीन का लेयर बन जाए उस पर। तो देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है बेसन, जो चना का बेसन है जो आप लोग को दिखाए थे, हम लोग 4 चम्मच लिए हैं, तो उसको भी अभी ऐड करेंगे इसमें। ये दोस्तों अब बेसन भी हम लोग सोयाबीन में मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से। तो आज जो बनेगा काफ़ी अच्छा बनेगा, सोयाबीन का जो सब्जी है, सोया बड़ी या सोया चंक्स जो भी आप कहिए। तो इस तरीके से सारे बेसन जो है हम लोग मिक्स कर देंगे इसमें, और सबको अच्छे से मिला देंगे ताकि अच्छा सा लेयर बने। ये जो हम लोग दोस्तों पेस्ट बनाए थे जो आदी और लहसुन का था, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अभी मिक्स करना है इसमें। देखिए दोस्तों, अब जो हम लोग दही जो 4 चम्मच निकाले थे वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें अभी, तो वो दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, दही भी हम लोग इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो सबको इसी तरीके से मिक्स कर देना है। और काफ़ी अच्छा बनेगा दोस्तों आज। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों, सारे प्रोसेस हम बताने वाले हैं। देख लीजिए दोस्तों, सब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है सारा चीज़। आप लोग को एक एक प्रोसेस दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर जो है सोयाबीन के ऊपर एकदम मसाला का जो है लग गया है। तो अब आगे दिखाते हैं कि हम लोग अब कैसे बनाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, मेथी का पत्ता। तो थोड़ा सा मेथी का पत्ता जो है हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो अच्छा सा एकदम स्वाद आएगा। तो इस तरीके से मिक्स कर दिए हैं सबको। अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सब चीज़ मिला दिए हैं, सब चीज़ मिक्स हो गया अच्छे से। तो अब इसको जो है एक जो है ढक्कन से इसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको ढक दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कढ़ाई जो है चढ़ा दिए हैं, और इसमें जो है हम लोग तेल भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा तेल दिए हैं, ज़्यादा तेल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी इतना तेल में बनाइएगा, काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अब हीट होने देते हैं पहले तेल को कुछ देर, उसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों तेल जो है हीट हो गया है, अब आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग सोयाबीन को अभी फ्राई करेंगे, अच्छे से भूजेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग पहले सोयाबीन को इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से छोलनी जो है चलाते रहना, नहीं तो फिर ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लुक भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो गजब काज बनेगा दोस्तों, सब्जी पूरा बन के तैयार होगा। तो देखिएगा एकदम दोस्तों, तो रोस्ट हो गया आप लोग को दिख रहा होगा, कलर जो है चेंज हो गया, लाल लाल सा रेड हो गया है। तो जो अच्छे तरीके से सोयाबीन जो है रोस्ट हो गया है, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, सोयाबीन जो है अच्छे तरीके से हम लोग रोस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भुजा गया अच्छे तरीके से। तो आगे क्या करना है ये हम लोग आप लोग को बताते हैं दोस्तों। अब जो हम लोग कढ़ाई में तेल दे लिए हैं, देखिए दोस्तों, तो कढ़ाई में हम लोग इतना तेल दिए हैं। अब जो है हम लोग मसाला तैयार करेंगे सोयाबीन के सब्जी के लिए। दोस्तों तेल जो है हीट हो गया है, अब हम लोग इसमें पहले फ़ौरन डाल देते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जीरा को ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जीरा ऐड कर दिए हैं फ़ौरन के लिए, तेल एकदम हीट है। अब जो है इसमें हम लोग मिर्च ऐड कर देते हैं, तो लाल मिर्च ऐड कर दिए हैं, और तेजपत्ता भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 2। तो इसका पहले जो हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा भूज देते हैं, तो फ़ौरन बन जाएगा। और उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर रहे हैं, फ़ौरन तैयार है। तो इसमें जो है प्याज को ऐड कर दिए हैं, और देख लीजिए दोस्तों, प्याज भी ऐड कर दिए हैं, और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग रोस्ट कर दे रहे हैं। तो अच्छे से भुजा जाएगा, सब चीज़ मिक्स हो गया है। उसके बाद जो है मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्याज जो अच्छे तरीके से भुजा गया है, तो अब जो हम इसमें मसाला को ऐड कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब जो है सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मसाला ऐड कर रहे हैं। हल्दी का जो पाउडर है वो ऐड कर दिए हैं, उसके बाद जो मिर्च पाउडर है वो भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ, और इसको अच्छे से हम लोग रोस्ट करेंगे। पाउडर जो था आपका, क्या बोलते हैं, मरीच और धनिया का, तो उसको भी हम लोग मिक्स कर दिए हैं। और ये जो पेस्ट है आदि और लहसुन का, उसको भी हम लोग इसमें मिक्स कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, सारा मसाला हम लोग ऐड कर दिए हैं, जीरा का जो पाउडर था वो भी ऐड कर दिए हैं। तो सबको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं, और अच्छे से अभी भूजेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिला दे रहे हैं, और सबको अच्छे तरीके से भूजना है ताकि अच्छा सा एकदम ग्रेवी बने।
नमक भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और पहले भी हम लोग नमक जो है सोयाबीन में दिए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से प्याज जो है गल जाए, तो मसाला भी अच्छा सा एकदम भुजा जाएगा, ग्रेवी बनेगा अच्छा सा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर अच्छे से मसाला जो है आपका नहीं भुजा पाएगा। तो देख लीजिए अब इसको अच्छे से हम लोग भूज देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। मसाला भी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बुलबुला एकदम निकल रहा है, एकदम खदक रहा है, तो अच्छे से मसाला सीझ रहा है। तो इसी तरीके से मसाला को अच्छे से सिझाना है, अच्छे से भूजना है, तभी स्वाद बनेगा। तो दिखाते हैं एकदम अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगा, आप लोग देखिए, तो देख सकते हैं एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से मसाला सीझ रहा है। तो पहले हम लोग अच्छे से ग्रेवी बना लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे। ये दोस्तों हम लोग जो है ढक्कन से ढक दिए हैं कढ़ाई को ताकि अच्छे से मसाला जो है सीझ सके। तो इस तरीके से आप लोग भी मसाला को अच्छे से सीझने दीजिएगा ढक के, तो फिर आगे हम लोग दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों आप दिखाते हैं जो ग्रेवी जो है कितना बनके तैयार हुआ है मसाला। तो दिखाइए मम्मी। देखिए दोस्तों एकदम ग्रेवी बनके तैयार है, मसाला जो अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं भुजा गया है यहाँ पे, देख लीजिए। तो अब इसमें हम आप लोग को दिखाते हैं ऐड करेंगे सोयाबीन जो हम लोग जब तैयार करके रखे हुए हैं, तो दिखाते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों ये जो पानी हम लोग निकाल के रखे हुए थे सोयाबीन का, तो अब इसका भी यूज कर रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस ग्रेवी में ये जो मसाला तैयार हुआ है अच्छे से भुजा के, इसमें उस पानी को अभी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो कर दीजिए मैं पानी ऐड। तो देख लीजिए पानी जो है इसमें ऐड कर दिए हैं, तो सारा का सारा जो सोयाबीन का विटामिन है सब इसी में रहेगा। तो सारा पानी इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, अभी अलग से हम लोग कोई पानी यूज़ नहीं किए हैं, जो सोयाबीन का पानी है उसी को ऐड कर दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों और भी अच्छा सा एकदम मसाला जो है बन के तैयार हो गया है ग्रेवी। थोड़ा सा इसको और हम लोग फटकने देते हैं, फ्लेम जो है गैस का थोड़ा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो हम लोग हाई कर दिए एकदम। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है पानी ऐड कर दिए हैं और इसको और थोड़ा देर सीझने देते हैं मसाला को, उसके बाद जो है फाइनली हम लोग जो है जो सोयाबीन बनके तैयार हुआ है उधर उसको ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से मसाला जो है बनके तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं सब चीज़ सीझ गया, हम लोग जो पानी भी ऐड किए थे तो अच्छे तरीके से एकदम उबाल आ गया है। तो अब हम लोग जो है इसमें ऐड कर देते हैं, आप लोग देख रहे होंगे मसाला एकदम सीझ गया अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों इसको जो है हम लोग ऐड कर दे रहे हैं इसमें और बन के तैयार है। अब दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जो सोयाबीन है वो पहले हम लोग फ्राई किए हैं और उससे पहले जो है उसको हम लोग गर्म पानी में ऐड किए थे, तो सोयाबीन जो है आपका जो है एकदम सीझ गया है, पहले ही सीझ गया है। तो मसाला भी एकदम यहाँ पे तैयार है, तो इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो ज़्यादा देर जो है हम लोग गैस पे नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज़ तो सीझ ही गया पहले से। तो हम लोग इसको लगभग 3 से 4 मिनट सीझने देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे और उसके बाद गर्म मसाला भी ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एकदम अच्छा सा बना है ग्रेवी, और सोयाबीन भी देख लीजिए इसमें एकदम अच्छे से मिल गया है, सब मिक्स हो गया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है जो इसका ग्रेवी है, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा गैस पे चढ़ा दीजिएगा। तो अभी भी आप चाहे तो पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों सीज के एकदम तैयार है, सोयाबीन का सब्जी बन गया है। तो हम लोग पहले जो है पानी ऐड किए थे 5 मिनट पहले, तो लगभग 4 से 5 मिनट में जो है अच्छे तरीके से सीज के तैयार हो जाता है और सब्जी बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी 4 से 5 मिनट जो है इस तरीके से सिझा सकते हैं। तब जो है हम लोग गर्म मसाला ऐड करते हैं और गैस का फ्लेम जो है बंद करते हैं और सब्जी जो है आपका बन के तैयार है। तो देख लीजिए दोस्तों काफ़ी अच्छा भी एकदम लुक आ रहा होगा आप लोग को, तो गर्म मसाला ऐड कर दे रहे हैं। तो पानी ऐड कीजिएगा, उसके बाद 4 से 5 मिनट जो है बस आप लोग गैस पे इसको सीजने के लिए रख दीजिएगा, तो बन के तैयार हो जाएगा। क्या है कि पहले ही सब चीज़ हम लोग दिखाए हैं आपको, अच्छे तरीके से सीझ गया है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग गरम मसाला भी ऐड कर दिए हैं, तो स्वाद भी अच्छा सा एकदम आएगा। थोड़ा सा हम लोग जो है मेथी का पत्ता भी इसमें ऐड कर रहे हैं ऊपर से भी, तो अच्छा सा एकदम लुक भी आएगा, देख लीजिए एकदम। और उसके बाद जो है गैस का फ्लेम जो हम लोग बंद कर दिए हैं, तो सब्जी बन के आपका तैयार है। आप जो है सब्जी खाइए और एकदम मज़े से आनंद से, और फिर खाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बताते हैं कि कैसा स्वाद बना है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। दोस्तों देखिए खाना आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दही भी है और इधर जो आज सब्जी बना है आप लोग को दिखाए थे सोयाबीन का, ये सब्जी देख लीजिए काफ़ी अच्छा एकदम झकास लुक है। और इधर देख लीजिए पटल का भुजिया है और इधर रोटी। तो फिर खाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि आज का खाना का स्वाद कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर खा के। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, काफ़ी अच्छा स्वाद भी था, आप लोग को दिखाए भी हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।